दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्री कार्य योजना लागू की जाएगी। गोपाल राय का कहना है कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के आसपास के राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। 2016 से 2023 के बीच वायु प्रदूषण में 34.6% की कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में वनरोपण जैसी दीर्घकालीन योजना से वायु प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4 साल में 2 करोड़ पेड़ लगाए गए, वृक्षारोपण नीति से मदद मिली, दिल्ली की सड़कों पर 7,545 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चल रही हैं, ईवी नीति यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी सफल साबित हो रही है। दिल्ली ने अपना थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिया है, लेकिन एनसीआर राज्यों में इसी तरह के प्लांट अभी भी चालू है। गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ऑड इवन की तैयारी कर रही है, यह प्लान केवल इमरजेंसी उपाय के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, हमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर सर्दियों के दौरान बारिश कराने की अनुमति मांगी है। हम 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच बारिश की तैयारी करना चाहते हैं, जब दिवाली के बाद और पराली जलाने के बाद प्रदूषण का स्तर चरम पर होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्री ने अभी तक पत्र का जवाब नहीं दिया है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण के हॉटस्पॉट इलाकों की ड्रोन के लिए रियल टाइम निगरानी की जाएगी। राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की निगरानी के लिए पर्यावरण मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के कर्मियों सहित 86 सदस्यों वाली एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।